नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के मैं आया हूं। दोस्तों बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है उनके लिए जिनको कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कब्ज की समस्या को लेकर के हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पेट साफ़ नहीं होता है, स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, ऐसी प्रॉब्लम लेकर के लोग क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिक पे लगभग 10 मरीज इस तरह के तो ज़रूर ही आते हैं, पेट की समस्या को लेकर के, कब्ज की समस्या को लेकर के। दोस्तों स्टूल सही से साफ पास नहीं होता है और वो फ्रेश नहीं होते हैं। ऐसी समस्या के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स भूमिका के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। नक्स भूमिका को कैसे यूज़ करना है, किस टाइम कितनी दवा लेनी है आपको, और यह मेडिसिन कितने दिनों में एक्शन लेना चालू कर देती है, आपको कितने दिन में आराम मिलना चालू हो जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे। इस मेडिसिन के बारे में लगभग पूरी तरह से पूरी जानकारी लेंगे। बने रहेगा वीडियो पे दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम आज ये पहले सबसे पहले देख लेते हैं, हर टॉपिक की तरह हर वीडियो में जैसे हम पहले ये देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मेडिसिन का नाम क्या है, मेडिसिन का नेम हमें सबसे पहले जानना होता है, जो कि हम जब अभी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे बगल में पिक्चर लगा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वैसे ही आप लेकर के जाएंगे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे, आपको तुरंत वो दवा मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेडिसिन का नाम जानेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम लोग कंपनी का नाम जानेंगे। लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं किस कंपनी का मेडिसिन लेना है, फिर इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, यूजेस के बारे में, लास्ट में आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें रिव्यू देना होगा। सबसे पहले मेडिसिन का नाम, चलिए हम मेडिसिन का नाम पहले जान लेते हैं कि मेडिसिन का नाम क्या है। दोस्तों यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किस समस्या के लिए, कब्ज की समस्या के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बना रहता है, कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बना रहता है, उनके लिए नक्स भूमिका मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उनको नक्स भूमिका मेडिसिन किस तरह से सही करती है। तो मेडिसिन का नाम क्या है, नक्स भूमिका, जो कि आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाता है। अभी हम थोड़े देर बाद आपको पावर के बारे में भी बताएंगे कि कितने पावर में इस मेडिसिन को यूज़ करना है। कंपनी में देखिए, कंपनी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, पूछते रहते हैं, तो कंपनी में आप WSI का ले लीजिए, SBL का ले लीजिए, डॉक्टर रेगबेक का ले लीजिए, लेकिन आप सील पैक दवा लाइएगा, 30 ml की सील पैक दवा ले आइएगा। और अभी हम डोज के बारे में बात करते हैं। इंडिकेशन में आइए, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि इस मेडिसिन को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो जिनको पैखाने की इच्छा बहुत होती है, कब्ज बहुत ज़्यादा बना रहता है, आइए दोस्तों कुछ चीज़ें और बताते हैं। सबसे पहले जो लोग पान बीड़ी सिगरेट दारू आदि पीते हैं, उनमें कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उनके लिए ये दवा बहुत ही अच्छी है। जो लोग नशा करते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि जो नशा करने वाले लोग होते हैं उनमें कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उनके लिए दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, नक्स भूमिका। अभी हम पावर के बारे में भी बात करेंगे। तो जो लोग दारू गांजा भांग सिगरेट पान मसाला तंबाकू सारी चीज़ें खाते पीते हैं, कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, उनमें ये दवा बहुत तेज़ी से काम करता है। और आइए अब हम कुछ चीज़ें और बता देते हैं। दोस्तों जो लोग मान लीजिए ऑफिस में बैठे रहते हैं, योगा करने का एक्सरसाइज करने का जिनके पास एकदम टाइम नहीं होता है, लेटे बैठे रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं दिन भर रात भर, तो दोस्तों उनमें भी कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बन जाती है। जिनको एक्सरसाइज करने का योगा करने का एकदम टाइम नहीं होता है, तो उनमें भी अगर कब्ज की समस्या पाई जाती है तो उनमें दोस्तों ये मेडिसिन बहुत तेज़ काम करता है, ऐसे लोग इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जिनको पैखाने जाने की इच्छा बार बार होती रहती है, हल्का सा दर्द होता है और बार बार आपको पैखाने जाने की इच्छा होती रहे, लैट्रिन जाने की इच्छा होती रहती है, ऐसे लोगों के लिए दोस्तों नक्स भूमिका मेडिसिन बहुत अच्छी है। पेट साफ नहीं होता है, अक्सर हमने देखा क्लिनिक पर लोग कहते रहते हैं कि दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार जाते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता है, ऐसा लगता है कि बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा बनी रहती है, तो उनके लिए भी दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा लगता है कि आंत में कुछ फंसा हुआ है, ऐसा लगता है कि आपके NS के अराउंड में कहीं ना कहीं कुछ फंस गया है, क्योंकि उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि अगर हम लैट्रिन जाएंगे तो साफ़ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऐसा केवल लगता रहता है और वे लोग बहुत ज़्यादा पैखाने जाते रहते हैं जिससे उनका पेट साफ नहीं होता है। 8-10 बार वो दिन भर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इनमें जो रिकवरी कर लेता है इंडिकेशन में, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों हम लोग जब बताते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इतना आप जान लीजिए मेन इसके बारे में। तो उनके लिए मेडिसिन स्पेशली है जो लोग दारू गांजा भांग सिगरेट या नशा करते हैं, कब्ज की समस्या है उनमें दवा बहुत तेज़ काम करती है, और जो लोग ऑफिशियल हैं बैठे रहते हैं दिन भर कंप्यूटर चलाते हैं काम करते हैं ऑफिस में रहते हैं और एक्सरसाइज या योगा वगैरह नहीं कर पाते हैं, कब्ज की समस्या रहती है, तो उनमें भी ये दवा बहुत तेज़ी से काम करता है। तो आइए दोस्तों अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 5 बूंद आपको सुबह खाली पेट केवल लेना है मेडिसिन को। 5 बूंद आप चाहिए तो ड्रॉप में ले आइएगा मेडिसिन, 30 ml की पैक सीसी मिल जाएगी, कंपनी हम बता चुके हैं। 5 बूंद मेडिसिन को आप चाहिए तो डायरेक्ट टंग से भी ले सकते हैं एक बार सुबह सुबह खाली पेट, और आप चाहें तो थोड़ा सा आधा कप या थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 5-7 बूंद आप दवा डाल दीजिए और सुबह सुबह एक बार ले लीजिए। मुश्किल से आप 2-4 दिन दवा यूज़ करेंगे और बहुत तेज़ आराम मिलना आपको चालू हो जाएगा। दोस्तों इस मेडिसिन को आइए हमें बता देते हैं कि 200 पावर में लेना है, 200 पावर में इस मेडिसिन को लीजिएगा, और ये मेडिसिन आपकी इस तरह की समस्या को दोस्तों बहुत तेज़ सही कर देता है और आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। आइए दोस्तों अगले पॉइंट में हम ये देख लेते हैं कि आपको और क्या करना है। दोस्तों अगले पॉइंट में आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग जब लाइक करते हैं तो हम लोगों का भी सपोर्ट होता रहता है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो कब्ज़ की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है उन तक मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना आपसे चाहूँगा, आप लोग वीडियो देखने में खो जाते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे रहा होगा दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकॉन होगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा और आल वाले पोर्शन पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स दिया गया है नीचे, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट्स का रिप्लाई हम बहुत जल्द करते हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बताऊंगा मैं कि बहुत से लोग होते हैं जो 2-4-5 मिनट का वीडियो है स्किप कर करके देखते रहते हैं और फिर पूछते हैं कि मेडिसिन का नाम क्या है। तो मेडिसिन का आपको अगर नाम जानना है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो को जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन खाना है, किसी होम्योपैथिक मेडिसिन को खा रहे हैं, या किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना है, या किसी डिजीज़ के बारे में जानना है, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट का रिप्लाई हम बहुत जल्द करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए एक ड्यू हम रख देते हैं, केवल 20 सब्सक्राइबर, ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल 20 सब्सक्राइबर। जल्दी से जुड़ जाइए हमसे। जो लोग हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि केवल और केवल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के इस वीडियो में अगर हमें 20 सब्सक्राइबर आ जाते हैं अगला वीडियो बहुत ज़बरदस्त लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केवल 20 लोगों का ड्यू है, आप 20 लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे हम लोगों का भी दोस्तों हौसला बढ़ता रहता है, हमें भी लगता है कि लोगों को हम कहीं ना कहीं हेल्पफुल वाली वीडियो दे रहे हैं। तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैलाइए, पॉलीथिन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बना रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।